वेलकम टू फ्यूचर है दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए सीएनसी रूटर मशीन लेके आऊँ, यानी कि इसके ऊपर कई तरीके के हम वर्क इसके ऊपर कर सकते हैं, जैसे वुड वर्किंग की कार्बिन वगैरह हो गया, जैसे अपने अपना ग्रेनाइट पत्थर हो गया, ग्लास के ऊपर काम हो गया, अन्य और कई तरीकों से इसके ऊपर आप वर्क कर सकते हो। कई भाइयों ने बोला था मुझे हमें परचेज करनी है, तो इस वीडियो के अंदर मैंने सब कुछ बता रखा है कहाँ से आपको परचेज करनी है, क्या इसका प्राइस है। और दोस्तों इसके आप अगर आपने घर में आपने आप सेटअप वगैरह भी लगाना हो तो दोस्तों आप महीने का 2 से 2.5 लाख रुपये बड़े आराम से कमा सकते हैं। इसके सेटअप के लिए जो सी आपको जगह चाहिए 10x15 के रूम में बड़े आराम से आ जाएगी। और दोस्तों इसका जो सा मैंने वीडियो का लाइक का टारगेट रखा वो मैंने 5000 का रखा, वो मुझे पता सभी कारपेंटर भाई वीडियो शुरू होने से पहले लाइक का बटन दबा देंगे। चलो दोस्तों इसकी अब हम वर्किंग देखते हैं, ये किस तरीके से काम करती है। सभी भाइयों को नमस्कार। दोस्तों कटारिया कंपनी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक मशीन की वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम बताएंगे कि जो भारत में सबसे ज़्यादा बिक रही है और इसका बिजनेस सबसे ज़्यादा चल रहा है मार्केट में, तो जिन्होंने भी ये मशीन लगाई है 1.5 से 2 लाख रुपया इनकम ग्रो की है, हर कोई कमा रहा है इससे, ठीक है। तो आज हम उसी मशीन के बारे में आपको जानकारी देंगे और आपको बताएंगे इस मशीन पर क्या क्या काम होता है, ठीक है। ज़्यादातर ये मशीन जो है कारपेंटर, इंटीरियर डेकोरेट वाले या जिनका फर्नीचर का काम है ये सभी इसको लगा रहे हैं, तो उसके अलावा भी कोई लगाना चाहता है तो वो भी लगा सकता है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे ये मशीन क्या क्या वर्क करती है और ये किस तरह की मशीन है, ठीक है। तो ये है सीएनसी रोटर मशीन जो मार्केट में बहुत ज़्यादा बिक रही है, तो जानते हैं इसमें क्या क्या काम होता है और किस किस वर्क के ये काम आती है और ये किस तरीके से ऑपरेट होती है और इसका प्राइस क्या है, ठीक है। सबसे पहले मैं बताऊँगा इस मशीन को बोलते हैं सीएनसी रोटर मशीन, ठीक है। और ये जो मशीन है ये कंप्यूटर से कंट्रोल होती है, जैसे मतलब कोई भी नेट से डिज़ाइन उठाओ इस और इस मशीन पे हम बना सकते हैं। मतलब कि मान लो अगर कोई वुड का काम कर रहा है या इंटीरियर डेकोरेट का काम कर रहा है तो उन्होंने अपने घर पे डिज़ाइनिंग करनी होती है, तो इसी मशीन से आप हर तरह की वो डिज़ाइनिंग कर सकते हैं जो आपको अपनी मनचाही चाहिए। दोस्तों सबसे पहले हम इसके स्पेयर पार्ट की बात करेंगे, इसमें हमने कौन कौन सा स्पेयर पार्ट यूज़ किया है, तो पहले मैं बताता हूँ इसकी गाइड रेल्स के बारे में, ठीक है। आमतौर पे क्या है ये गाइड रेल्स जो है कई लोग लोकल मेड लगाते हैं, वो रस्ट की वजह से ख़राब हो जाती है, लेकिन हमारी कंपनी ने हाईबीन ब्रांड की लगाई रखी है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की आती है, सबसे ऊपर ब्रांड है हाईबीन जो रेल बनाती है, ठीक है। ये ताइवान का ब्रांड होता है। उसके अलावा जो अगर स्पैंडल की बात की जाए वो भी हमारी कंपनी ने बहुत ही अच्छी क्वालिटी का लगा रखा है, HKOD कंपनी का ब्रांड लगा रखा है, ठीक है। ये सबसे मार्केट में नॉर्मल कई और हल्के ब्रांड भी आते हैं स्पिंडल के, बट हमने वो नहीं यूज़ किया, सबसे ऊपर ब्रांड वाला हमने इसमें यूज़ किया है। इसको HKOD स्पेंडल बोलते हैं जो 3.5 किलोवाट का आता है, ठीक है। इसमें आप 4.5 किलोवाट का भी लगवा सकते हो, 6 किलोवाट का भी लगवा सकते हो, इस मशीन पे आराम से 6 किलोवाट तक का स्पेंडल भी लग सकता है, ठीक है। और अगर इसके साइड मोटर्स की बात की जाए इसमें 4 मोटर लगी हुई है जो कि सर्वो मोटर्स लगी हुई है, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4 जैसे मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है ZX और वहाँ पर लिखा हुआ है Y, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जितने एक्सिस इसमें काम करते हैं उतनी मोटर इसमें फिट लगती हैं। तो मान लीजिए जैसे Y एक्सिस Z एक्सिस इसमें हर एक मोटर का इसमें लगी हुई है, सभी मोटर जो है सर्वो क्वालिटी की लगी हुई है, ठीक है। और उसके अलावा अगर इसके जो कंट्रोलर सिस्टम की बात की जाए वो भी हमने काफ़ी इसका सेपरेट बनाया हुआ है, ठीक है। आमतौर पे क्या होता है कि मशीन के अंदर ही लोग फिट कर देते हैं, बट हमने स्पेशल ये सेपरेट दिया गया है ताकि इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो देख सकते हो आप इसका ये कंट्रोलर पैनल है, इसका ये सारा मदरबोर्ड ये वो ड्राइवर सब कुछ इसके अंदर ही हमने फिट किया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा इसके हमें रिमोट कंट्रोल सिस्टम भी मिलता है साथ में, ठीक है। रिमोट कंट्रोल सिस्टम कई तरह के ब्रांड आते हैं, जैसे ये रिच ऑटो का है, अगर आप व्योंग कंपनी का लगवाना चाहते हैं या कोई और कंपनी का लगवाना चाहते हैं वो भी इस पर लग सकता है, ठीक है। जैसे मान लो ये देखो ये Y एक्सिस Z एक्सिस ये तीनों कंट्रोलर इसमें दे रखे हैं, आप इजीली इससे ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा अगर बात की जाए इसके साथ टूल किट मिलती है, ये पूरा सेट इसके टूल किट का मिलता है, इसमें अलग अलग टाइप की बिट्स होती हैं और
डिज़ाइन और सॉफ्टवेयर भी सीडी भी इसके साथ ही मिलती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं इस पर काम क्या क्या हो सकता है, ठीक है दोस्तों। अब आप देखोगे कि हमने कुछ इस पर सैंपल बना रखे हैं, ये अलग अलग इंडस्ट्री में भी काम आती है। जैसे मान लो हम कोई मार्बल का काम कर रहा है या वुड का काम कर रहा है या ग्लास वर्क करना चाहता है, वो सभी का सभी इस मशीन पे आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। तो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ इस पे कौन सी इंडस्ट्री का क्या काम हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं ये नक्काशी की, ठीक है। इसको देखो, ये वुड नक्काशी इस पे हो रही है, ठीक है। देखो ये गणेश भगवान की हमने फ़ोटो बना रखी है, ठीक है। ये देखो नक्काशी पहले लोग हाथ से करते थे, अब ये इस मशीन से हो रही है। देखो ये कितनी सुंदर बना रखी है दोस्तों। ये देखो कि इस पे किस तरह की ये नक्काशी ये मशीन करती है, जो कि मतलब हमने इस पे बना रखी है, इसी मशीन पे बना रखी है। ये देखो गणेश भगवान की फ़ोटो भी हमने बना रखी है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी में बनी हुई है। ये देखो अगर वुड के फ्लावर बना रखा है, ठीक है। ये देखो डिज़ाइनिंग इस हमने बना रखी है, सारे डिज़ाइन हमने इस पे बना हो गई नक्काशी की बात, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इस पे जाली कटिंग आजकल जो बहुत चल रही है मार्केट में, जिससे हमें दिन का 10 से 5,000 रुपया भी आ सकता है। तो मैं दिखाता हूँ आपको जाली कटिंग किस तरह की इस पे कटिंग होती है दोस्तों। ये है इस तरह की कुछ जाली, ये मशीन इसी से बनती है, ठीक है। ये पीवीसी की है, इस तरह की एमडीएफ पे भी आप कटिंग करके देख सकते हो, ठीक है। तो एमडीएफ पे मैं दिखाता हूँ ये कैसे वर्क करती है। ये देखो इस तरह के आप कुछ डिज़ाइन जाली के आप अपने घर पर बना सकते हो, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के ये डिज़ाइन बनते हैं। तो ये आप इससे जाली कटिंग वगैरह भी आप कर सकते हो, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की ये जाली कटिंग का काम करती है। ये आपने देखा कि जाली का काम बहुत ही सुंदर इस पर हो रहा है, तो उसी हिसाब से मैं आपको दिखाता हूँ साइनेज इंडस्ट्री का नाम सुना होगा, जैसे मतलब सैमसंग, वीवो, ओप्पो, इस तरह के आजकल बोर्ड बन रहे। जैसे मान लो किसी होटल के बाहर, दुकान के बाहर, या उसी तरह आपको बोर्ड साइनेज बोर्ड का काम भी कर सकते हो। तो देखते हैं, हमने कुछ साइनेज बोर्ड के सैंपल भी बना रखे हैं, वो किस तरह के सैंपल होते हैं। ये देखो ये ACP शीट है, जो मार्केट में आजकल बहुत ही ट्रेंड कर रही है। ये वाटरप्रूफ होती है, तो ये आउटडोर लगती है, ठीक है। इससे हम दुकान के बोर्ड बना सकते हैं, जैसे हमारा कटारिया टेक जोन बना है, तो उसी तरह आप किसी भी दुकान का या किसी के शोरूम का हम बोर्ड भी बना सकते हैं। उसी तरह ये MDF पे हमने देखो ये नाम वगैरह किए हैं, वर्ड्स वगैरह टाइप लिखे हैं, ये भी इसी मशीन पे हो रहे हैं। और उसके अलावा अगर उद्घाटन के पत्थर का भी इस पे काम होता है ये, ठीक है। पत्थर के मैं दिखाता हूँ इस पे पत्थर का किस तरह का काम हुआ है। ये देखो है, ठीक है। ग्रेनाइट पे हमने बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बनाया है, देखो ये कटारिया टेक जोन लिखा है। इसी तरह आप किसी की उद्घाटन की प्लेट या किसी के घर की नेम प्लेट वगैरह भी आप बना सकते हो। और उसके अलावा मंदिर के ये मार्बल पे डिज़ाइनिंग भी होती है, नक्काशी भी करती है, मार्बल पे भी नक्काशी करती है। ये देखो मार्बल पे नक्काशी किया हुआ ना, कटारिया टेक जोन लिखा हुआ है, जैसे ये फूल बना हुआ है, ये मार्बल स्टोन पे हमने इस पे नक्काशी किया है। तो इस तरह का ये हर तरह का मल्टीपर्पज़ वर्क ये मशीन करती है, ठीक है दोस्तों। और उसके अलावा हम ग्लास का MDF का तो देखा, और ये देखो हमने ग्लास पे भी ये कुछ वर्क किया है, बहुत ही सुंदर वर्क हुआ है। देखो अगर आप ये देखो इस टाइप का है ना, ये देखो ग्लास पे भी इस तरह का वर्क आप गिफ्ट आइटम बना सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा कुछ काम करना चाह रहे हो, डोर का भी काम होता है, तो मैं आपको डोर के सैंपल भी दिखाता हूँ कि डोर के वर्क कैसे होता है, अगर आपका डोर का वर्क है, ठीक है। सैंपल हमने डोर के बना रखे हैं, ठीक है। तो डोर का वर्क इस पे क्या क्या होता है, देखो ये पहले सिंपल डोर है जो आजकल घर पे लग रहे हैं, ये डिज़ाइन डोर है, ठीक है। इस तरह के डिज़ाइनिंग डोर भी आप काम कर सकते हो, ये किसी भी घर में लगा सकते हो आप, ठीक है। तो बहुत ही सुंदर ये डिज़ाइनिंग करती है, देखो आप हर तरह का ये डिज़ाइन आप वर्क कर सकते हो उस पर, ठीक है, मल्टीपर्पज़ वर्क। तो अब मैं आपको इस मशीन की वर्किंग वीडियो दिखाता हूँ, ये कैसे वर्क करती है, और मार्बल, स्टोन, MDF, जाली कटिंग, ये कैसे एक मशीन पे पॉसिबल है। तो मैं अब इसकी वीडियो दिखाता हूँ आपको, ठीक है सर दोस्तों। Get out of here.
दोस्तों जैसा कि आपने देखा इस मशीन पे क्या क्या वर्क हो रहा है और किस तरह का वर्क हो रहा है। दोस्तों कई लोग इस सोच रहे होंगे इस मशीन का प्राइस क्या है या इस मशीन को हम ऑपरेट कैसे करें, इसको चलाएंगे कैसे, तो मैं आपको ये भी बता देता हूं। दोस्तों सबसे पहले हम इस मशीन का प्राइस जान लेते हैं। दोस्तों इस मशीन का प्राइस है 6,50,000 रुपये है, ठीक है, और फ्रेट अलग से लगता है, ठीक है। तो और ये कंपनी की तरफ से आपको इसकी ट्रेनिंग भी दी जाएगी, ठीक है, इसको चलाना कैसे है, कैसे ऑपरेट करना है, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जाएगा। उसके कोई चार्जेस आपकी हमारी कंपनी आपसे नहीं लेगी ट्रेनिंग वगैरह के, ठीक है, और एक साल की वारंटी भी हम प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है दोस्तों। और इससे प्रॉफिट आप क्या कमा सकते हो वो भी बता देता हूँ, ठीक है। प्रॉफिट मान लीजिए अगर आप जाली का काम कर रहे हो, ठीक है, अगर मार्केट में अगर एक शीट का काम आता है, एक शीट अगर 8x4 की है, ठीक है, 8x4 की लगभग ये 40 से 30 मिनट में अंदर ये कटिंग कर देती है, तो एक शीट कट करने के लगभग 15 से 2,000 रुपये चार्ज लेते हैं, ठीक है। और अगर हम दिन की 5 शीटें भी काट दें तब भी हमें 8 से लेकर 10,000 रुपये दिन की इनकम हो जाती है। और अगर हम डोर की बात की जाए, डोर अगर हम कार्विंग करते हैं तो एक डोर के लगभग 5 से लेकर 10,000 रुपये अकेला कार्विंग का लेते हैं। तो अगर आप दिन के 5 या 6 डोर भी निकालते हैं तब भी आपकी अच्छी दिन की इनकम हो सकती है, ठीक है। और अगर आप स्टोन मार्बल ग्रेनाइट का काम करते हैं तो एक नेम प्लेट की जो 2 फीट बाई 2 फुट की जो है प्लेट 2,000 से 2,500 रुपये चार्ज लेते हैं, तो उसका भी अच्छा इनकम, मतलब कोई भी अगर आप काम करते हो दिन का आपका 5 से लेकर 10,000 रुपये इनकम आराम से आप इससे ग्रो कर सकते हो, ठीक है। दोस्तों प्रॉफिट का तो देखा आपने कि इस पे कैसे क्या प्रॉफिट होता है। तो दोस्तों अब बताएंगे आपको ट्रेनिंग के बारे में। तो दोस्तों जब आप हमसे ये मशीन खरीद लोगे हमारा इंजीनियर आपकी साइड पे आएगा, आपके घर पे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके घर पे आएगा, 3 से 4 दिन आपके उधर रुक के जाएगा और इसको चालू भी करके जाएगा, ठीक है, और आपको इसको कैसे ऑपरेट करना है, कैसे चलाना है, वो सारा आपको सिखा के भी जाएगा। उसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ऑनलाइन उससे डिस्कस भी कर सकते हो इसके बारे में, ठीक है, और एक साल की हम वारंटी भी देंगे, ठीक है। अगर कोई इसमें पार्ट्स ख़राब हो गया है या कोई दिक्कत कर रहा है तो उसकी हम वारंटी में कवर करेंगे उसको, ठीक है। दोस्तों
आपको इस चीज़ की भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चाहता हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, अगर कोई इस मशीन को ख़रीदना चाहता है तो हमारी ऑल ओवर इंडिया में डिलीवरी अवेलेबल है, ठीक है। अगर इंडिया के बाहर भी किसी को चाहिए, जैसे नेपाल, भूटान, हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, ठीक है, किसी को कहीं पे भी मंगवा सकते हो पेमेंट करके, ठीक है। और इंडिया की ये पहली कंपनी है जो हर स्टेट में अपनी और हर कंट्री में अपनी मशीन बेच रही है, ठीक है। ये नहीं है कि हम पंजाब में हैं तो हम पंजाब में ही बेच रहे हैं, पंजाब के अलावा हम हर एक स्टेट में भी सेल करते हैं। जैसे मान लो कश्मीर, कन्याकुमारी, गुवाहाटी, असम, बिहार, यूपी, हर एक स्टेट में हम इसको सेल करते हैं। उसके अलावा हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, जैसे मान लो नेपाल में किसी को चाहिए, या भूटान में किसी को चाहिए, या बांग्लादेश में किसी को चाहिए, या यूए, अमेरिका, यूएसए, हम हर जगह डिलीवरी करवा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा अगर कोई कस्टमर हमारी कंपनी में विज़िट करना चाहता है, हमारी कंपनी का नाम है कटारिया टेक जोन, ठीक है, अमृतसर पंजाब में हमारा हेड ऑफिस है, और ठीक है दोस्तों, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो जो इस मशीन की वीडियो को देख रहा है, उन्होंने ये सब ये मशीन की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और लाइक करना है, ठीक है। और जो हमारी वीडियो को शेयर करेगा और हमसे मशीन ख़रीदेगा, उसके लिए हम अच्छा डिस्काउंट भी देंगे और प्लस उसको एक गिफ्ट भी देंगे, ठीक है। और दोस्तों बस इसके अलावा हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों सीएनसी रूटर मशीन के बारे में मैंने आपको अच्छी तरीके से डिटेल बता दी और आपने देख भी लिया होगा। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसे लगी, अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन का बटन दबाने के बाद ऑल का बटन दबा देना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।